आजकल एक से बढ़कर एक तकनीक से हम हर रोज रूबरू होते हैं और कभी कभी हैरत में भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मिर्जापुर से आया है, जहां कुछ स्कूली छात्रों ने देश के जाबाज सैनिकों के लिए ऐसे जूते बनाए हैं जिसमें पैर गर्म रहेंगे और जमीन के अंदर कोई खतरा हुआ तो ये जूते पहले ही अलर्ट कर देंगे। जी हाँ, ये वंडर शूज तैयार किए हैं मिर्जापुर की स्वामी विवेकानंद एकेडमी में पढ़ने वाले 4 छात्रों ने। वहीं इन छात्रों ने बताया कि क्या सोचकर उन्होंने ये जूते देश के जाबाजों के लिए बनाए और इसमें क्या खासियत है। क्या नाम है? मेरा नाम विनायक राज है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। कौन से स्कूल के? स्वामी विवेकानंद एकेडमी। ये कहाँ से आइडिया आया, कितनी लागत लगी और कैसे बनाए आपने? कुछ महीनों पहले ठंडी के मौसम में जब मैं और हमारे कुछ मित्र इस विद्यालय को आ रहे थे तब हमारे पैर इतने ठंड पड़ गए, तो हम लोगों ने सोचा कि जब इतनी सी ठंड में हमारे पैर इतने ज़्यादा सिकुड़ जा रहे हैं तो सीमा पर तैनात जवान हमारे उनका क्या हाल हो रहा होगा। फिर हमने कई दिन इस पर सोचा विचारा और अपने विद्यालय के सब्जेक्टिव टीचर से बात की तो उन्होंने इसको बनाने में हमारी काफ़ी मदद की। इसमें स्कूल का बहुत बड़ा सहयोग है, उनके बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता। इसमें कुल बनाने का लागत करीबन 1200 रुपये आया है, इसमें 3 दिन की समय लगी है। तभी क्या जरूर आगे इसमें क्या करेंगे आप लोग? ये हमारा एक मैनुअल टाइप है, इसमें आगे हम काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जैसे कि सेंसर्स वगैरह, ताकि जवानों के पैरों के आगे आने लैंडमाइंस वगैरह और ऑटोमेटिक बॉम्ब से उन्हें बचा सके। मेरा नाम सुजय चक्रवर्ती है। ये बच्चे आपके कुछ सूज तैयार किए हैं, क्या है सूज का काम? देखिए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि जाड़े के दिन में हम लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहनते हैं, स्वेटर, विंडशीटर, कोट, जैकेट, लेकिन पैर को ठंडा रखने के लिए जूता और मोजा के अलावा कुछ होता नहीं। तो बच्चों ने सोचा कि जो है हमारे जो सैनिक है जो कि ऑल्टीट्यूड पे काम करते हैं, पहाड़ों पे काम करते हैं, जैसे सियाचिन है जहाँ -20 डिग्री -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उस कॉन्सेप्ट को सोच के ये जूता को डिज़ाइन किया गया है कि ये जूता हमेशा जो है 20-22 डिग्री में गर्म रहेगा तो पैर में कभी भी फ्रॉस्ट नहीं होगा और वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। ये खास तरह के जूते बनाने में बैटरी, स्विच, हीटिंग कॉइल, थर्मोस्टेट का प्रयोग किया गया है, जिसे बनाने में कुल लागत 1200 रुपये आई और इन्हें बनाने में 4 दिन का समय लगा। वहीं इन छात्रों का ये कारनामा काफ़ी पसंद किया जा रहा है, जिसके लिए स्कूल प्रशासन ने बच्चों को प्रोत्साहित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, UP।